What's up guys, कैसे हो? Good morning to everyone. तो आज मंडे और मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? मैं धन्नो को लेकर जा रहा हूँ सर्विसिंग पे. क्यों? क्योंकि एक साल होने को आया है और ये धन्नो का लास्ट सर्विसिंग है. तो अभी टाइम हो रहा है 11 और मुझको पहुंचना है डानकुनी. अभी 10 बजे शोरूम खोल देता है, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं. और उधर अगर ज़्यादा बाइक आ जाए मेरे पहले तो शायद आज सर्विसिंग नहीं होगा. सो गाइस, नाउ वी आर एट डानकुनी बजाज एंड यहाँ पे धन्नो है. अभी इसका जो अभी ये है 13 नंबर पे, इसके आगे ये सब, इसके आगे ये एनएस है. तो अभी बोला 6 बजे तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा मेरे को मेरे धन्नो. कोई ना, अभी यहाँ पे थोड़ा देखते क्या करते हैं, क्योंकि काम तो उतना कुछ नहीं है, अभी टाइम तो लगेगा, देखते. शो तो गाइज, अभी बज रहा है 4:05 हुआ अभी. तो जस्ट अभी मेरा गाड़ी गया वॉशिंग के लिए, तो 11 बजे से लेके 4 बजे तक मैं ऐसे ही बैठा रहा. मतलब ये लोग इतना स्लो काम कर रहा है ना कि क्या ही बोला. और मेरे को अभी इतना नींद आ रहा है, बस मत पूछो भाई. तो दो भैया से अभी बैठ के बात कर रहा था, मतलब इन चारों घंटे में अच्छा लगा बात करके और टाइम भी अच्छे से पास हो गया मेरा. अभी देखते हैं कब गाड़ी देता है मेरा. अभी बज रहा है 5, बिल्कुल एकदम 5 बज रहा है. अभी मेरा धन्नो को ले जाया गया सर्विसिंग के लिए अंदर, और शूट नहीं करने दे रहा है. तो यहाँ पे जो वेटिंग हॉल है वहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ. अभी इधर अलाउड है, इधर कुछ नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. भी अभी पता नहीं है कि मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो. 1 hour later. So guys, finally I got my bike after a long time. मतलब 10 बजे दिया था, अभी मेरे को गाड़ी मिला भाई. और अभी मैं शोरूम से निकल रहा हूँ. ओ भाई, क्या फ्री हो गया है भाई. हाँ तो भाई, बहुत कुछ कहना है मेरे को, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करूँ? चलो इधर थोड़ा ट्रैफिक है, निकल चलते हैं यहाँ से और हाईवे में जाके आप लोगों से बात करेंगे. तो गाइस, क्या हुआ था, मतलब यहाँ पे दो वर्कर्स काम कर रहा था, ठीक है, और बाकी के जब मतलब टोटल यहाँ पे 5 बे है जहाँ पे काम होता है, लेकिन आज ओनली 2 मेंबर वर डूइंग देयर वर्क. और इतना टाइम लगाया कि क्या ही बोलूँ. मतलब यार, ऐसे लोगों को बैठा के रखना, मेरे को बोला कि 4 बजे तक हो जाएगा भाई. वॉशिंग ही मेरे को, मतलब मेरे बाइक का वॉशिंग ही हुआ 4 बजे, अब बोलो. उसके बाद मैंने बोला मेरे को थोड़ा वीडियो निकालना है अपने यूट्यूब के चैनल के लिए. मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था, लेकिन आप लोगों ने अलाउ नहीं किया, क्यों पता नहीं. और मेरा अभी गाड़ी का काम हो रहा है, मैं उनको जाके बोल रहा था कि यार मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो आप लोग छोड़ देते हो. ये सब चीज़ें मैं उन लोगों को बताने वाला था, वो बोला कि आप जाके बाहर बैठो. मतलब यार, अभी फ्यूलिंग भी करना पड़ेगा, कहाँ से करूँ, पेट्रोल पंप किधर है. और फिर अभी मैंने पेमेंट किया, उसके बाद मेरे को मतलब फीडबैक देने के लिए व्हाट्सएप पे एक लिंक दिया. मैंने उधर सब कुछ
उनके अकॉर्डिंग यस यस करता गया और लास्ट फाइनली और लास्ट में उन लोगों को मैंने बोला, मतलब वो लोग जब एक ऑप्शन आया, मतलब एक क्वेश्चन आया कि क्या आपके गाड़ी आपके टाइम के मुताबिक आपको मिला है, तो मैंने डायरेक्टली कह दिया नहीं उनके मुंह के ऊपर। भाई बहुत मज़ा आया। अभी फ्यूलिंग करना है, फ्यूलिंग के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्यूलिंग कर लिया, अभी इसी का ही वेट कर रहा था क्योंकि ज़्यादा फ्यूल नहीं था मेरे गाड़ी में। धन्नो का सर्विसिंग हो गया। धन्नो कैसा लग रहा है? अभी ब्रेकिंग उतना अच्छा काम नहीं कर रहा इसलिए धीरे धीरे जाना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है, अभी ये जो खींच रही है मतलब कह रही है कि हाँ ठीक है अभी। ओ चलो सही है, मेरे को रुकना पड़ेगा जैकेट पहनने के लिए क्योंकि ठंड लग रहा है। मेरे को हंसी आ गया था जब मैंने उन लोगों को बोला नहीं मेरे को टाइम से नहीं मिला मेरा गाड़ी, तो इसलिए नो पे मैं क्लिक करूंगा। तो बेचारी की मुख देखने लायक थी भाई। सो वी आर हियर एट डानकुनी टोल प्लाजा। यार मतलब ज्यादा कुछ नहीं वो कर पाया, व्लॉगिंग नहीं कर पाया शोरूम में। चलो कोई ना, भूख भी लगा है, सुबह से कुछ नहीं खाया था। चलो यहाँ पे रोकेंगे थोड़ी देर, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज यहाँ पे रुका था जैकेट वगैरह पहनने के लिए, अभी यहाँ से जैकेट पहन के डायरेक्ट निकलेंगे, सिंगूर जाके रुकेंगे, वहाँ पे जाके थोड़ा खाना वाना खाएंगे। बहुत भूख भी लगा है भाई, सच बोल रहा हूँ। अब देखो 6:25 होने को आया है और सुबह से निकला हूँ, अंदर कुछ गया भी नहीं है। अभी निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी सिंगूर पे और ये ब्रिज, अभी ब्रिज आएगा, ये ब्रिज इसके बाद ही नौबन्नो आ जाएगा। तो उधर थोड़ा चाय वाय पी के निकल जाएंगे यहाँ से घर की तरफ। जो भी हो आप लोग बहुत नॉटी हो रहे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यार क्या है, सब्सक्राइब कर लिया करो, फ्री है, फ्री का। आ गए हम नौबान्नो पे, अभी लेंगे यहाँ से लेफ्ट। ओके वी आर हियर एट नौबन्नो। ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस एक चाय पी लिया, बहुत है। भूख लगा था पता है, लेकिन घर पे जाके खाएंगे क्योंकि बाहर उतना मैं खाता नहीं। अभी बाइक निकलने गया था भाई, उधर ही मेरा हाफ एनर्जी डाउन हो गया। ये देखो क्या हाल है यहाँ पे। तो चलो निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? मतलब एक साथ सबको जाना है। अभी ये देखो ये भी आगे आ रहा है, क्या यार, ठोक दो भाई, ठोक दो जाके, ठोक दो। मतलब अभी करना था भाई, अभी टाइम मिला था तुम लोगों को।
चलो निकल गया तो मैं। भाई देख रहे हो इधर ऐसा होता है, मतलब अचानक कहीं कुछ नहीं आए ये लोग अचानक से आके रोड को ब्लॉक कर देता है, गजब है भाई। देख रहे हो गाइस हमारे कामारकुंडो में क्या हाल होता है, अगर एक बार गेट गिरता है ना तो यही होता है। ये ओवरब्रिज कब कंप्लीट होगा पता नहीं, अगर हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत आसान होगा। सो गाइस मैं अभी मालिया क्रॉस कर रहा हूँ और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और एक सजेशन मैं हर वीडियो में देता हूँ आप लोगों से कि जब बाइक चला रहे हो आप तब हेलमेट ज़रूर से पहनिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपके पास ही है भाई, थोड़ी क्या मैं दे पाऊँगा बोलो। तो ज़रूर से हेलमेट पहनना वाइल राइडिंग एंड सेफ चलाना, ठीक है। ज़्यादा जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे चलाओ, घर पे मम्मी वेट कर रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग।